गाजीपुर की खबर, जहां पर फौजी के परिवार से मारपीट का मामला सामने आया। यहां पर एसओ नगसर को लाइन हाजिर किया गया है। फौजी के परिवार के साथ मारपीट से जुड़ा ये पूरा मामला, इसी को देखते हुए अब एसओ नगसर जो है उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। नूरपुर गांव के फौजी परिवार को पीटा था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया इस पूरी घटना का। डीएम एसपी पहुंचे थे पीड़ितों से मिलने भी, और इसी के साथ अब एक्शन होता हुआ लाइन हाजिर किए गए हैं। डीएम एसपी पहुंचे थे पीड़ितों से मिलने, जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना का संज्ञान लिया। एसओ नगसर को फिलहाल आप देखिए लाइन हाजिर किया जा चुका है। नूरपुर गांव के फौजी परिवार की पिटाई का एक पूरा मामला था, परिवार को पीटा गया था, और इस खबर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लिया था। आशुतोष हमारे संवाददाता जुड़ चुके इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आशुतोष, एसओ को लाइन हाजिर करके आगे कैसे कार्रवाई? जी, अभी सीएम के निर्देश पर गाजीपुर के प्रभारी मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला भी आज नूरपुर गांव पहुंचेंगे और परिजनों से मिलेंगे, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। परिवार में 13वीं थी, 13वीं के एक दिन पहले ये घटना हुई है। एसओ ने परिवार के 9 सदस्यों को थाने में बंद करके बुरी तरह से पीटा है। आरोप है कि लोहे की कीलों से वो गर्म करके इन लोगों को टॉर्चर किया गया है, बेहद बुरी तरह से टॉर्चर किया गया है। परिवार सदमे में है, जबकि उस परिवार का एक व्यक्ति के पांडे अभी भी सेना में हवलदार है और रिटायर्ड सैनिक उस परिवार में है। तो सैनिक परिवार के साथ पुलिस की ये जो है बेरहमी बेहद दुखद है। जी आशुतोष, ये पुलिस ने ये ऐसा कृत्य किया क्यों आखिर? पुलिस ने इसलिए किया कि पुलिस का आरोप है कि इनके घर में कोई अपराधी था। अपराधी के तलाश में पुलिस उस गांव में पहुंची थी। इनके घर में, जैसा इन लोगों का कहना है, कोई अपराधी नहीं था। पुलिस बिना किसी वारंट के, बिना किसी सर्च वारंट के घर में घुसी और घर के सदस्यों को उठा के ले गई। 9 लोगों को लेकर पुलिस थाने में ले गई थी और पूरी रात टॉर्चर किया गया था। जी बिल्कुल आशुतोष, और देखिए पुलिस जिसे निष्पक्ष जांच करके आगे इस पूरे केसेस को देखना चाहिए। जब वो ऐसे सिर्फ शक के लिहाज पे ऐसी हरकतें करेगी तो सवाल खड़े हो जाते हैं। आशुतोष, फिलहाल पीड़ित परिवार अभी क्या कुछ कह रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि मामला सीएम ने खुद संज्ञान में ले लिया है और डीएम और एसपी आरए कल जाके खुद जो है पीड़ित परिवार से मिले और आज प्रभारी मंत्री भी मिलेंगे। उसके प्रभारी मंत्री के मिलने के बाद जो और उचित कार्रवाई आगे होगी वो मेरे ख्याल की जाएगी, क्योंकि सीएम मामले में सख्त है। जी आशुतोष, आप बता रहे हैं कि इनके परिवार में कोई अपराधी था, किसी ने तहरीर दी थी, और किस तरीके का अपराधी जिसको देखने के लिए पुलिस पहुंची और पूरे परिवार पर ये क्रूरता दिखाई? जी, परिवार में कोई अपराधी नहीं था। पुलिस को ये सूचना मिली थी कि इस गांव में कोई अपराधी छिपा हुआ है, नूरपुर गांव में जहां ये घटना हुई है। जी जी, और पुलिस संदेह के आधार पर इनके घर पहुंची थी। इन लोगों का कहना है कि हमारे घर में हमारा न तो किसी अपराधी से संबंध है, न तो किसी अपराधी को हमने संरक्षण दिया था, फिर भी पुलिस ने जो है इस तरह की हरकत की और पूरी रात थाने में पूरी तरह से टॉर्चर किया गया परिवार के सदस्यों को। आशुतोष, परिवार के कितने लोग जिनके साथ ये पुलिस ने किया? परिवार के 9 लोगों के साथ पूरी रात थाने में टॉर्चर किया गया। जी हमारे साथ सपा से विधायक जो कि है वीरेंद्र यादव जी, वो जुड़ चुके हैं इस खबर पर। वीरेंद्र जी, देखिए ये जो तस्वीरें हम फिलहाल अभी दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों में सिर्फ एक आशंका, एक शंका जिसके आधार पर एक फौजी के परिवार को ऐसे बुरी तरीके से पीटा जाता है कि वो तस्वीरें तक हम नहीं दिखा पा रहे। निश्चित रूप से ये जो पुलिस का कुकृत है बहुत ही घिनौना कार्य है। अगर कोई पीड़ित पक्ष अगर जाकर थाने में इस तरह की बात अपनी दरख्वास्त देता है तो पुलिस प्रशासन द्वारा उनको बैठा करके इतनी बुरी तरीके से पीटा गया है जिसका निश्चित रूप से मीडिया के सामने कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। और जो चित्र आया है, जो फीचर आया है, वो निश्चित रूप से बहुत ही डरावना है। निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज का व्यक्ति जो कहीं न कहीं अपनी दरख्वास्त लेकर पुलिस प्रशासन के सामने गई और प्रशासन के सामने जाने के बाद उसका कुकृत्य जो इतना घिनौना कुकृत्य है, निश्चित रूप से हम लोगों के कहने पर, हम लोगों के आपके मीडिया पर के माध्यम से बात करने पर मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा संज्ञान लिया गया और निश्चित रूप से अगर उचित कार्रवाई हो जाती तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। पर जो कुकृत्य उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण समाज के लोगों के ऊपर किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा घिनौना कार्य है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका फिलहाल। तो देखिए सपा विधायक थे जो हमारे साथ जुड़े थे और ये घटना बहुत ही दुखद भी है। सीएम ने इस पूरे मामले पर संज्ञान फिलहाल अब ले लिया है।